हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिश ट्यूशन। मैं राहुल कुमार। स्टूडेंट, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एससी और मैथ्स चैप्टर 5 ऑब्जेक्टिव 1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन है, नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट, हम लोगों को पता है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपको नेगलेक्ट करके चलना है, मतलब मान के चलना है कि अर्थ जो है रोटेट नहीं कर रही है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन कह रहा है, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड नियर इट्स सरफेस। स्टूडेंट, हम लोग को ये भी पता है कि अर्थ जो है अपने सरफेस के आसपास की जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें वो एक फोर्स से, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से, वो उसे अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो ये कहा जा रहा है कि ये इमेजिन कीजिए कि अर्थ जो है वो अचानक इसके अर्थ सरफेस के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट है उसे अट्रैक्ट करना बंद कर देती है, अचानक अट्रैक्ट करना बंद कर देती है। तो क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विद। तो कोई पर्सन जो अर्थ सरफेस पे खड़ा था, क्या होगा? फ्लाई अप ऊपर क्यों वो फ्लाई करने लगेगा, या स्लिप अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग स्लिप कर जाएगा, फ्लाई अलोंग टेंजेंट टू द अर्थ सरफेस, या अर्थ सरफेस के टेंजेंट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो मूव कर जाएगा, फ्लाई करने लगेगा, या फिर रिमेन स्टैंडिंग, या फिर वो स्टैंडिंग पोजिशन में ही खड़ा रहेगा जिस पोजिशन में पहले था। क्लियर स्टूडेंट? इस चीज को समझने के लिए पहले ये समझिए बेसिक तौर पर कि क्या होता है जब कोई पर्सन आपका अर्थ सरफेस पे खड़ा होता है। तो अर्थ जो है, सपोज कीजिए कि इस पर्सन का मास जो है अगर m है, m अगर इसका मास है, तो अर्थ इसको अपनी तरफ एक फोर्स से, जिसका वैल्यू होता है mg, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं, कि इतना फोर्स से अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यह और इसी को इस पर्सन का वेट भी कहा जाता है, सब एक ही बात है। क्लियर है? इतना फोर्स से अट्रैक्ट करती है। इस फोर्स के चलते क्या होता है, ये अर्थ सरफेस भी जो है इस पर्सन पर ऊपर की ओर एक नॉर्मल फोर्स लगा देती है। क्लियर है? ये दोनों ही फोर्स का वैल्यू बराबर होता है, mg equals to m बराबर होता है, मतलब कि पर्सन पर जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स जीरो हो रहा है। नेट फोर्स, ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड फोर्स हो जाते हैं, मतलब इस पर नेट फोर्स जीरो होता है, इसलिए पर्सन खड़ा होता है। क्लियर है? अब क्या क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अचानक अर्थ जो है इसको अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, अर्थ अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, मतलब कि mg का वैल्यू जीरो हो गया, mg का वैल्यू जीरो हो गया, mg का वैल्यू जीरो हो गया। जब mg का वैल्यू जीरो होगा तो ये अर्थ सरफेस भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, मतलब कि n का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, इनका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। मतलब इस केस में भी जब अर्थ अचानक अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, इस केस में भी ध्यान दीजिए नेट फोर्स जो पर्सन पे है वो जीरो ही है। ध्यान दीजिएगा, पहले भी नॉर्मल केस में भी जब अर्थ अट्रैक्ट करते रहती है, जो कि होता है, इस केस में भी नेट फोर्स जीरो है। दोनों में अंतर है कि इस केस में ये दोनों फोर्स इस तरह से लग रहा है कि बैलेंस्ड फोर्सेस है, इसलिए नेट फोर्स जीरो है। यहां पर क्या हुआ कि ये mg का वैल्यू जीरो हो गया, इसलिए n का भी वैल्यू जीरो हो गया, मतलब नेट फोर्स अभी भी जीरो हो गया। नेट फोर्स जीरो मतलब कि पर्सन जो है वो स्टैंडिंग पोजिशन में ही खड़ा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इफ आंसर इज डी। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पर एक बात नोट कीजिएगा, अगर क्वेश्चन में ये कहता, जैसे अचानक क्वेश्चन में कहा गया कि अचानक अट्रैक्ट करना बंद कर दिया, अगर इसी तरह क्वेश्चन में यही कहा जाता कि अचानक रोटेट करना बंद कर दे, क्वेश्चन में यह कहा गया है कि नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, मानकर हमें चलना है कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इस तरह से, जैसा कि अट्रैक्टिंग यहां पर जो वर्ड यूज किया, सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग, अगर इसी तरह यह कहा जाता है कि सडनली रोटेट करना बंद कर देती है अगर अर्थ, तो स्टूडेंट क्या होता उस केस में, ये पर्सन जो है जैसे अभी रोटेट कर रहा है, अचानक रोटेट करना बंद कर देती, तो क्या होता कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के चलते वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में बहुत हाई स्पीड से मूव कर जाता है एटमॉस्फेयर में। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है, यहां पर तो हमें मान के चलना है कि अर्थ रोटेट कर ही नहीं रही है, ये मान के चलना है। क्लियर बात है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।